नमो नमो मित्रों, तो आज मैं आपके समक्ष तून प्रत्यय लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले त्वाल ल्यव ये सब हो चुका है, तो इससे पहले तून प्रत्यय हम प्रारंभ करेंगे। इससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष पहुँच सके, आप तक पहुँच सके, और लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। चलिए तो तून प्रत्यय के तरफ चलेंगे हम लोग। तून प्रत्यय हम सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि तून प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? के लिए मतलब पठितुम, मतलब पढ़ने के लिए। किस अर्थ में होता है? पठितुम मीन्स पढ़ने के लिए। चलिए अब इसमें थोड़ा सा कुछ नियम है, पहले नियम देखें। तो नियम में सबसे पहले है कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय तुमुन का तुम शेष रहता है। मतलब क्या समझे? मतलब तुमुन प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं उस समय क्या होता है? तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रह जाता है। ठीक, तुम मौ में जो उ है और नौ हलंत, उस उ और नौ का लोप हो जाता है, मतलब हट जाता है, बच क्या जाएगा? तो तुम, तो हर्षु हर्षु और मौ हलंत। ओके, तो आप इसको समझ गए। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। जब हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करने लगेंगे, क्या करेंगे? तुमुन प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तो धातु के अंत में ई का प्रयोग होगा। किसका? ह्रस्व ई, ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट, यदि धातु के अंत में स्वर न हो तो, यदि धातु के अंत में कौन ना हो? स्वर न हो। कंसेप्ट क्लियर? यदि कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो फिर से एक बार बताते हैं। जैसे यहां पर मैंने कहा कि प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। ओके, यहां देखेंगे जैसे तुमुन प्रत्यय का जब हम प्रयोग करने लगेंगे तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु क्या कर रहा है कि प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में, तो अंतिम वर्ण कौन है? तो व। ठीक है, अंतिम वर्ण में ई की मात्रा जुड़ जाएगी। कौन सी? तो ह्रस्व ई। व में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? धावी। और तुम में इसका लोप होगा, इसका लोप होगा, तुम बच जाएगा, क्या होगा? धावी तुम। बात समझ गए? सेकेंड नियम भी समझ गए होंगे कि प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तुम प्रत्यय का प्रयोग, तो उसका प्रयोग करते समय ई का प्रयोग होता है। ठीक है, और यदि धातु के अंत में स्वर न हो तो, ये बात खास बात है कि धातु के अंत में यदि स्वर न हो तभी जा करके हम क्या करेंगे? तो ई का प्रयोग करेंगे। जैसे बता दूं यहां कि धाव में क्या है, क्या कह रहा है कि धातु के, मतलब यदि धातु के अंत में स्वर न हो तो, धातु के अंत में कौन है? धातु के अंत में स्वर नहीं है ना, यही बात यहां भी कह रहा है कि स्वर नहीं होना चाहिए, धातु के अंत में स्वर नहीं होना चाहिए। यहां पर धातु के अंत में स्वर नहीं है, नहीं है। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा? ई का प्रयोग हो जाएगा। मतलब कि हलंत धातु जो रहेगा उस हलंत धातु के साथ प्रायः क्या होगा? तो ई की मात्रा जुड़ जाएगी। यदि स्वर रहेगा लास्ट में तो उसमें ई की मात्रा नहीं जुड़ेगी। जैसे उदाहरण चलेंगे, थोड़ा सा पहले इसको देख लें, इसको समझ गए आप, ये भी समझ गए कि यदि हलंत वाला शब्द रहे, मतलब यही हुआ कि धातु के अंत में स्वर न हो, मतलब हलंत वर्ण हो, हलंत धातु हो, तो ई का प्रयोग होगा। बस इतना ही आप जानना, क्या जानना है कि हलंत धातु हो
तो ई का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। यदि धातु का अंतिम वर्ण मौन या नो हो तो अनुस्वार या नो में परिवर्तन हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है, मतलब ई का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण आपको बता देंगे कि यदि धातु के अंतिम वर्ण में मो होगा या नो होगा, ठीक है, तो वहां पर में अनुस्वार या नो में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण दिखाएंगे, चलिए उदाहरण मैं बता दूं यहां पर में कि यहां आपका इसका उदाहरण गम धातु क्या कह रहा है कि यदि धातु का अंतिम वर्ण, तो धातु का अंतिम वर्ण कौन है, मो या नो में से कोई एक होना चाहिए, तो मो और नो में से एक है, या कौन है तो मो है। ठीक है, धातु का अंतिम वर्ण कौन होना चाहिए, एक मो है, मो या नो, तो मो यहां पर मिला तो क्या होगा, मो या नो हो तो अनुस्वार या नो में परिवर्तन हो जाता है। यहां पर में गम में मो है या गम में मो जो है सो अनुस्वार अनुस्वार या नो में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहां पर में क्या किसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसमें नो में परिवर्तन होगा। यहां क्या हो गया, गौर नो, मो का क्या हो गया नो, क्या कहा कि यदि अंतिम में मो और नो हो तो चाहे तो अनुस्वार हो जाएगा या तो नो हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो गया मो का नो हो जाएगा, क्योंकि धातु अंत में मो है तो उस मो का अनुस्वार होगा या नो होगा, यहां पर नो हो जाएगा, तो गन और तुम का तुम, तो क्या हो जाएगा गन तुम। बात समझ गए, इसका भी उदाहरण आप समझ गए, तीसरा का भी। चलिए आगे चलेंगे हम लोग, अब क्रमशः सीरियल में उदाहरण देखेंगे, नियम भी देख लिया आप, नियम भी समझ गए, एक एक करके नियम का भी आपको समझा दिए। अब नियम के साथ हम चलेंगे किसमें, तो नियम के साथ चलेंगे उदाहरण में। पर उदाहरण देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, धातु प्रत्यय और शब्द, तो धातु कौन सा है, धाव धातु है, धाव धातु में तुम करेंगे तो क्या हो जाएगा, धावी तुम। यहाँ पहला नियम आप देख लिए कि तुम में क्या बचता है, तुम बचता है, तुम बच गया। उसके बाद दूसरा नियम में प्रत्यय के अंत में क्या हो जाएगा, यहाँ करते समय प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई जुट जाएगा, ई जुट गया तो धाव में वह है, और ई जुट गया क्या हो गया, धावी और तुम में, इसका और इसका हट लोप हो गया, हट गया तो मोहलंत बच गया, तो धा व में ई जुट जाएगा, धावी तुम। बात समझ गए, धावी तुम शब्द आपका बन गया, कौन, धावी तुम। नेक्स्ट में देखेंगे चल धातु है, चल धातु से तुम प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा, चल में हलंत है ल, तो उस हलंत के आधार पर में आप इस नियम को आप प्रयोग करेंगे, इसमें ध्यान देंगे क्योंकि एक एक शब्द का थोड़ा सा एक एक शब्द को समझा दिए हैं। तो यहाँ चल में क्या है, लो हलंत है, तो मैंने कहा आपसे पहले ही यदि हलंत रहेगा मतलब स्वर नहीं रहेगा, लास्ट में स्वर नहीं रहेगा मतलब हलंत रहेगा, तो ई का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर चल में लो हलंत है तो तुम से पहले धातु के बाद क्या हो जाएगा, ई जुट जाएगी, तो क्या हो गया, च ल हरसी चली तुम, समझ गए बात, चली तुम। ओके, कंसेप्ट क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हस धातु है, मतलब यहाँ खाद धातु, तो खाद धातु में भी वही बात, हलंत है तो हलंत रहेगा क्या हो जाएगा, ई जुट जाएगी, तो खा द हरसी की मात्रा खादी और तुम, क्या हो गया, खादी तुम शब्द आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ पर हस धातु है तो हस धातु में तुम प्रत्यय करेंगे, तुम ई जुट जाएगा, हलन धातु है तो यहाँ ई जुटेगा तो क्या हो जाएगा, हसी तुम, तुम में ऊ हट जाएगा, कौन हट जाएगा, ऊ और नो हट के मोहलंद बच जाएगा, तो ह सौ में ई जुट जाएगी, हसी तुम, ये भी समझ गए। चलिए अब गम धातु से, गम में मो है उसके बाद तुम लगाएंगे, तुम का तुम बचेगा। यहाँ मैंने कहा आपसे कि यदि धातु के अंतिम वर्ण में मो हो या नो हो तो अनुस्वार या नो बन जाएगा, कौन, तो इस मो के स्थान या तो अनुस्वार हो जाएगा या तो नो हो जाएगा। तो यहां पर में गम में मो है तो इसका नो हो जाएगा, क्या होगा, तो गम और तुमुन, तो नो होगा तो गन तुम, इस नियम से आपका यहां पर में यह बन जाएगा। चलिए उसके बाद पा धातु है, पा धातु में जब हम तुमुन करेंगे क्या हो जाएगा, फिर इसमें ऊ और नो का लोप हो जाएगा, ऊ और नो हट जाएगा, क्या हो जाएगा,
तुम बच गया और यहाँ पा शब्द है तो पा तुम बराबर पा तुम। मैंने कहा यहां से यहां पहले ही यदि धातु के अंत में स्वर न हो तो ई जुट जाएगा, यदि स्वर होगा तो क्या होगा ई नहीं जुटेगा। यदि स्वर होगा अंतिम में, धातु के अंतिम में यदि स्वर होगा तो ई नहीं जुटेगा, यदि स्वर नहीं होगा तो ई जुट जाएगा। चलिए बात समझ गए, यहां पर पा में आ है तो आ है, यहां पर क्या जुट जाएगा, क्या जुट जाएगा, ई की मात्रा नहीं जुटेगी और यहां डायरेक्ट मिल जाएगा पा प्लस तुम बराबर पा तुम। ओके कंसेप्ट क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब आकारांत एक और धातु मतलब स्वर वाला एक धातु और बता दूं आपको, ज्ञान धातु है तो ज्ञान धातु से तुम करेंगे तो इसमें भी वही बात, यहां स्वर है लास्ट में इसलिए ई नहीं जुटेगी, तो ज्ञान तुमुन का उ और नो का लोप तो मोहलंत बच गया, तो ज्ञान तुम शब्द आपका बन गया। चलिए इसी तरह आप बहुत सारे मतलब बहुत कर सकते हैं, यदि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, तो यदि समझ गए होंगे आप तो निश्चित रूप से इससे अलग भी आप आराम से बना सकते हैं, तो आप आराम से इसको इसके अकॉर्डिंग आप 10 उदाहरण बनाएंगे खुद से। चलिए नेक्स्ट में इसका प्रयोग कैसे होगा, उस प्रयोग में हम लोग चलेंगे, उदाहरण इसमें देखेंगे प्रयोग में देखेंगे। चलिए इसको समझ गए होंगे प्रायः, यदि अच्छा लगा हो और समझ गए हो तो जरूर कमेंट करेंगे कि समझ गए हैं, यदि कहीं डॉट है तो उसमें भी आप कमेंट करेंगे कि नहीं समझे, इसका नहीं समझे या इसका नहीं समझे, आप वहां पर लिख के भेज सकते हैं और आप निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे और जिसका कमेंट आएगा मैं उसका रिपीट नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम सोल्यूशन करूंगा। चलिए अब हम उदाहरण में देखेंगे कि अहम खादामि जलम पिबामि, इसमें क्या होता है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जब हम करते हैं तो एक धातु का प्रयोग करते हैं दूसरे धातु को, मतलब एक काम को करते हैं दूसरे काम को करने के लिए। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मैं क्या करता हूं जैसे यहां खादामि जलम पिबामि, अहम खादी तुम जलम पिबामि, मैं जल क्यों पीता हूं तो खाने के लिए जल पीता हूं। बस समझ रहे हैं कि किसी काम को करने के लिए कोई काम क्या जा रहा है, यहां जल पिया जा रहा है किसके लिए तो खाना खाने के लिए। बस समझ गए, तो अहम खादामि मैं क्या करता हूं, खादामि जलम पिबामि तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां तुम का प्रयोग करेंगे तो अहम खादी तुम जलम पिबामि, मैं खाने के लिए जल पीता हूं। बात समझ गए, प्रयोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट में अब बता दूं यहां पर मैं खादी तुम में खाद धातु है और तुम प्रत्यय है। चलिए तो यहां पर मैं आप इसको भी समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप यहां भी निश्चित रूप से समझ गए होंगे। चलिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, जरूर आप सब्सक्राइब कर देंगे, यदि पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, आप पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और यदि पसंद आए तो आप लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें और मित्रों के साथ शेयर भी करें। चलिए आगे चलेंगे, सह रचनाम रचयति पुस्तकम पठति, यहां क्या है सह रचनाम रचयति पुस्तकम पठति, क्या हो जाएगा सह तुम प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे, सह रचना रचयितुम पुस्तकम पठति, वह क्या करता है, वह रचना रचने के लिए पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो क्या किसी काम को करने के लिए पुस्तक पढ़ रहा है, समझ गए बात, के लिए अर्थ आपको पहले ही कह दिया हूं कि के लिए शब्द का प्रयोग यहां पर में क्या जाएगा। ओके कंसेप्ट क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में, लास्ट उदाहरण है कि पिता कार्यम करोति, पिता किम करोति, पिता किम करोति, पिता कार्यम करोति, नेक्स्ट में क्या देखिए पिता कार्यम करोति कार्यालयम गच्छति, पिता किम करोति, पिता कार्यम करोति, पिता काम करता है,
कार्यालयम गच्छति और कार्यालय जाता है, ठीक है ना। तो पिता कार्यम कर्तुम कार्यालयम गच्छति, पिता क्या करते हैं तो काम करने के लिए कार्यालय जाते हैं। बात समझ गए यहां पर मैं। यहां पिता कार्यम कर्तुम कार्यालयम गच्छति, पिता काम करने के लिए कार्यालय जाते हैं। तो यहां पर मैं उदाहरण भी हो गया और मतलब प्रयोग भी हो गया, कैसे तो उन प्रत्यय का शब्द भी प्रयोग करेंगे,